राइट right. सो so, अगर हम सिलेबस सिलेबस को देखें तो में आपको कोर मालूम है हिस्ट्री पॉलिटी फी इकोनॉमी टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशन एनवायरमेंट आर्ट एंड कल्चर ये मेन कॉम्पोनेट्स है अब इन कॉम्पोनेट्स में अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो करंट अफेयर्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है अब करंट अफेयर्स कहा से करें कैसे करें ये कई बार सवाल बन जाता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर करंट अफेयर्स के ऊपर आप एक अच्छी ग्रिप बनाना चाहते हैं तो यू शुड नो कि ये जो कोर कॉम्पोनेंट्स हैं इनमें से कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट हैं जिसमें से करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप में से कई बच्चे काफी समय हो गए तैयारी करते हुए तो आपको पता है कि इकोनॉमी इंटरनेशनल रिलेशन एंड एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये वो कॉम्पोनेंट्स हैं जिसमें से करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं राइट और करंट अफेयर्स हमारे एक एग्जाम की प्रिपरेशन का एक बड़ा ही क्रूशल पार्ट है तो अगर आप करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छी ग्रिप बनाना चाहते हैं तो इन सेक्शंस के करंट अफेयर्स के ऊपर अगर ज्यादा ध्यान देंगे अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपका काम बन सकता है सो तो इसमें भी एनवायरमेंट ठीक है आप सबको पता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज का पेपर क्योंकि एक साथ होता है तो एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट है और इस पे कई सारे सवाल आ जाते हैं ज्यादातर सवाल करंट ओरिएंटेशन के होते हैं सो दैट इज द रीजन के एनवायरमेंट करंट अफेयर्स को हमें रिवाइज करना चाहिए और 2014-15 ये ऐसे कुछ साल रहे हैं रहे हैं पे के क्वेश्चंस डोमिनेट कर थे विद इन दोज इयर्स क्या डोमिनेट कर रहा था करंट अफेयर्स ठीक है तो इसलिए टीम स्टडी आई क्यू हेज डिसाइडेड टू डिप्लॉय मी एट योर सर्विस जहां पे हम एनवायरमेंट की क्विक रिविजन करेंगे ठीक है अब देखो पूरे साल ये रिकमेंडेड रहता है कि आप डेली न्यूज पेपर एनालिसिस की सीरीज देखें मंथली कंपाइलेशन पढ़ें और लास्ट आते, आते आते आप उसकी रिविजन करें ठीक है तो अगर मैं ये कहूँ पूरे साल के सारे के सारे करंट अफेयर्स मैं इस सेशन में आपको करवा दूंगा या इस सेशन की सीरीज में ठीक है अगले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको करवा दूंगा तो दैट विल बी अ फार अफेस्ट आइडिया राइट सो so, यहाँ पे क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं दैट यू रियली कैनोट अफोर्ड टू मिस वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं ठीक है, सो मैं उम्मीद कर रहा हूं और ये एक प्री भी है मैं बहुत दिल से चाह रहा हूं कि आपने कई सारी चीजें पहले से पढ़ रखी हैं, तो इस लेक्चर से और सब्सिक्वेंट लेक्चर जो इस सीरीज में होंगी उससे आपकी तैयारी काफी अच्छे से हो जाएगी रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएगी ठीक है तो एनवायरमेंट को देखो अगर हमने समझना है किसी भी चीज को समझना है कोई बड़ी चीज है अगर उसको समझना है ब्रेक इट डाउन तो एनवायरमेंट में जो मेन चीजें होती है मेन मुद्दे होते हैं वो होते हैं पल्यूशन बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड उसके सोल्यूशन ठीक है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले साल के जितने मर्जी क्वेश्चन देख लो इन डायमेंशन के ऊपर सवाल बनते हैं राइट अब आज के इस लेक्चर में हम पॉल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज को एनालाइज करने वाले हैं और उसमें हम क्या करेंगे कि इसको भी अगर तोड़ें तो इसमें कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज हैं जो न्यूज में थी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको पता रहे लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड कुछ कन्वेंशन हुई थी ठीक है इसमें क्योंकि इससे पिछली कन्वेंशन इंडिया में हुई थी दैट इज द रीजन कि ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है तो इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबर भी आपको पता रहनी चाहिए फिर वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट के फर्दर दो कॉम्पोनेट्स होते हैं ठीक है जो न्यूज में इस साल डोमिनेट किए हैं ये दो कॉम्पोनेट वो है प्लास्टिक मैनेजमेंट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड ई वेस्ट तो इसको भी डिस्कस करना है एंड देन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे मेजर्स कन्वेंशन

राइट सो स्टार्टिंग करें अगर हम इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ तो स्टॉक होम कन्वेंशन वॉज इन न्यूज राइट तो स्टॉक होम कन्वेंशन के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये न्यूज में थी क्यों नहीं न्यूज में क्यों थी उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि है क्या किस चीज के साथ डील करती है जैसे मिनामाटा कन्वेंशन अगर आपने एनवायरमेंट के स्टैटिक पार्ट को पढ़ रखा है कमेंट में बताओ मुझे मिनामाटा कन्वेंशन किस चीज के साथ डील करती है बताइए जी हाँ मिनामाटा कन्वेंशन मर्करी की पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है ठीक है मिनामाटा कन्वेंशन रिड्यूस द पोल्यूशन कॉज बाय मर्कुरी ठीक है राइट तो स्टॉक कन्वेंशन ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को घटाने में ये एक कन्वेंशन है अलग अलग कंट्रीज ने कहा ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ही कंट्री कर रहा है सभी कंट्रीज के कंबाइंड एफर्ट्स अगर होंगे तो हम इसके ऊपर एक अच्छा ग्रिप एक अच्छा कंट्रोल लेके आ सकते हैं राइट सो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक कन्वेंशन साइन की और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ये इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इनकी एट्थ मीटिंग किसकी इन पीओपी पी की रिव्यू कमेटी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट्स की रिव्यू कमेटी होती है इस कमेटी का काम क्या होता है कि ये केमिकल्स को एनालिसिस करती रहती है और जो ऐसे केमिकल्स हैं जिसके बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन आती है कि ये एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं तो ये कमेटी रिकमेंड करती है कि इन केमिकल्स को स्टॉकहोम कन्वेंशन के रेलिवेंट एनेक्शर के अंदर एड कर दिया जाए ताकि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके इसकी प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट एंड अदर थिंग्स इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके तो इनकी एटींथ मीटिंग हुई जिसकी वजह से ये न्यूज में थी राइट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता जरूर रहे कि ये डील किसके साथ करती है ठीक है तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट सब होते क्या है जैसा इसका नाम है, वैसे ही काम है। और्गानिक, और्गानिक, और्गानिक। तो बहुत लंबे समय के लिए धरती पर पर्यावरण में मौजूद रह सकता है और अपना नेगेटिव इंपैक्ट दिखा सकता है ऑर्गेनिक का मतलब है कि ये एक कार्बन कंपाउंड होगा जनरली राइट एंड पॉल्यूटेंट का मतलब है कि इसकी जो प्रेजेंस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है मैनकाइंड के लिए मानव जाति के लिए सही नहीं है और इससे होता क्या है कि इसकी प्रेजेंस से ये किसी क्रॉप के ऊपर बैठ सकते हैं या ऐसी जगह पे बैठ सकते हैं जिसको फिर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं मान लो एक वाटर बॉडी में किसी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का रिलीज कर दिया गया आसपास के जानवर उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है बायो एक्यूमुलेशन हो सकती है इन अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म अब बायो एक्यूमुलेशन की हमने यहाँ पे बात कर ही दी है तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन इन दो कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस भी आपको पता रहे तो सोने पर सुहागा ही होगा राइट तो क्योंकि ये दोनों सिमिलरली साउंडिंग टर्म्स हैं और सिमिलरली साउंडिंग टर्म्स होने की वजह से अक्सर कैंडिडेट्स इन दोनों में कंफ्यूज भी हो जाते हैं ये बात यूपीएससी या कोई भी ऐसी बॉडी जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है उसको पता है तो क्योंकि ये आपका वीक पॉइंट है इस वीक पॉइंट पे खेल के एक सवाल बन सकता है तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स तो बायो एक्यूमुलेशन इसको अगर आपने समझना है ठीक है तो आप विजुअलाइज करो मैं ऐसा एक मेथड बताऊंगा जिससे आप अब कभी नहीं भूलोगे इस चीज को ठीक है इसको विजुअलाइज करो बायो एक्यूमुलेशन एक ड्रॉर है आपका उस ड्रॉर में मान लीजिए आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे मान लीजिए न्यूज पेपर नहीं पढ़ रहे आप जो न्यूज पेपर नहीं पढ़ा वो उस ड्रॉर में आ रहा है ठीक है वो आता जा रहा है आता जा रहा है क्या हो रही है एक्यूमुलेट हो रहा है एक ही ड्रॉर के अंदर बहुत सारा अखबार एक एक्यूमुलेट हो गया और ऐसा पेंडिंग वर्क क्या बन जाता है पोल्यूटेंट टॉक्सिक मत जाता है ठीक है या तो इसको निकाल के मंथली कंपाइलेशन पढ़ लो या मेरी वीडियोस देख लो राइट ये भी कर सकते हैं आप बट पॉइंट इज कि एक ही ड्रॉर है उसमें एक्यूमुलेशन होती जा रही है अब आप विजुलाइज कीजिए कि ये ड्रॉर जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट होती जा रही है तो दैट इज बायो एक्यूमुलेशन बायो एक लिविंग बींग में एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में पोल्यूटेंट का एक्यूमुलेट होता जाना दैट इज बायो एक्यूमुलेशन इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा बूढ़ा कोई प्राणी होगा कोई बूढ़ा जानवर होगा उसमें पोल्यूशन या ये टॉक्सिन की क्वांटिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो ज्यादा समय के लिए धरती पर रहा उसने ज्यादा समय के लिए वो गंदा पानी पिया तो वो पोल्यूटेंट अक्यूमुलेट होता जा रहा है ठीक है ये हो गया बायो ना बायो मैग्निफिकेशन आपको पता है कि ट्रॉफिक लेवल्स या फूड चेन आप पढ़ते हैं तो ये ट्राइंगल आपको पता होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड एपेक्स प्रोड्यूटर इस तरह से चलता है ये ट्राइंगल का नाम क्या है ये भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए ठीक है ये ट्राइंगल ये क्या कह रहे हैं पिरामिड ऑफ मास क्या है ये कुछ और है ठीक है कॉमेंट्स में जरूर बताओ ठीक है अब आप विजुअलाइज करो कि ये जो पिरामिड है ये हमारी है ट्राइंगुलर मैग्निफाइंग लेंस हमने बनाई है और इस मैग्निफाइन लेंस से हम चीज देख रहे हैं ठीक है तो ये हमें बता रही है कि एक पर्टिकुलर रिडेटर के अंदर कितना पोल्यूटेंट घुस चुका है राइट तो बायो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है कि फूड चेन के एक लेवल से दूसरे लेवल में उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है राइट right? तो इसलिए जहां पर बायो एक्यूमुलेशन बूढ़े जानवर में ज्यादा होगी बायो मैग्निफिकेशन इसमें पल्यूटेंट का मैक्सिमम इंपैक्ट एपेक्स प्रेडेटर पे होगा ठीक है जो फूड चेन में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर है उसके ऊपर होगा क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते वक्त ये पल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी ठीक है तो द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज राइट दिस इज द वे फिकेशन वर्क स्टैटिक पार्टी है ये रिविजन हमने की है और मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ रखा होगा ठीक तो है तो करंट में ये क्यों न्यूज में थी इसके साथ साथ इसके स्टैटिक आस्पेक्ट भी हमें जरूर पता होने चाहिए राइट सो स्टैटिक आस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यू मस्ट नो दैट इट इज लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है 2001 में इसको सिग्नेचर्स और अडॉप्शन के लिए ओपन अप किया गया था एंड 2004 थाउजेंड फोर वॉज दर जहां पर ये ज्यादातर कंट्रीज ने रेटिफाई कर दी थी एंड इट एंटर्ड फोर्स नाउ लेट मी टेल यू दैट आर टू डिफरेंट थिंग्स सिग्नेट्रीज टू अ पर्टिकुलर कन्वेंशन एंड पार्टीज टू अ पर्टिकुलर कन्वेंशन इन दोनों में फर्क होता है सिग्नेटरीज का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री ने गुड फेथ में कह रहा है कि मैं इस कन्वेंशन की जो मर्यादा है उसको बनाए रखूंगा लेकिन मैं इसका पार्टी नहीं बनना चाहता ठीक है मेरे ऊपर लीगली बाइंडिंग मैं मैं बाउंड नहीं होना चाहता, लेकिन मैं जान ऐसा कुछ नहीं करूंगा उन्होंने अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेचर्स एक्ट्स बिल्स ऐसे पास किए हैं मैनेजमेंट रूल्स पास किए हैं जिससे कि <coughs> वो कन्वेंशन इन्फोर्स होगी उनके कंट्री के अंदर राइट right? पार्टीज दे आर लीगली बाउंड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन ठीक है तो इसमें इंडिया इसने दो हजार छ में इस ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया था चाइना ने भी इसको रेटिफाई कर रहा है वी आर पार्टीज टू दिस कन्वेंशन ठीक है बट यूएस इसराइल और मलेशिया ये कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जिन्होंने स्टॉक होम कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया राइट सो दे आर नॉट द पार्टीज टू दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन और इसकी अगर पार्टीज uh, की बात करें इसकी की बात करें तो देर आर वन एटी फाइव कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन हु आर पार्टी टू कन्वेंशन कन्वेंशन तो पार्टीज हैं के लिए ठीक है सो बुरे वक्त में ये इंफॉर्मेशन हो सकता है काम आ जाए कुछ ज्यादा डेप्थ में हम गए बट मे बी इट माइट बी यूजफुल एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अब इस कन्वेंशन में मैंने आपको बताया कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट्स के ऊपर है पांच पॉल्यूटेंट्स इसमें

और अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसको भी रिस्ट्रिक्ट हम करें ग्रेजुअली ठीक है तो इन स्ट्रिक्ट सी बी ए इस तरीके से बढ़ रही है ठीक है तो ये भी फैक्ल इंफॉर्मेशन है याद रहेगी तो काम ही आएगा राइट स्टॉकहोम कन्वेंशन की तरह ही एक और कन्वेंशन है विच इज नोन एज रोटर डैम कन्वेंशन ठीक है ये भी स्टॉकहोम कन्वेंशन की तरह एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है 2004 में अस्तित्व में आई थी एनफोर्स इसको 2004 में किया गया इसके 72 टू सिग्नेटरीज हैं एंड 161 पार्टीज हैं अगेन इंडिया चाइना बोथ आर पार्टीज दिस कन्वेंशन दोनों ने रेटिफाई कर रखा है लेकिन यूएस अगेन इसका सिग्नेटरी है इसने रेटिफाई नहीं किया ठीक है तो कन्वेंशन जो है इसका अब ऑब्जेक्टिव क्या है जहां पर स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी रोटर डैम कन्वेंशन ये क्या करती है रोटर डैम कन्वेंशन केमिकल्स के ट्रेड को रेगुलेट करती है कैसे ये बताता हूं इसमें एक मैकेनिज्म होता है ठीक है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट नाम से जिसको शॉर्ट में पीआईसी कह दिया जाता है दिस इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैकेनिज्म इस मैकेनिज्म के अंडर लेट से देर इज इंडिया लेट से देर इज चाइना अब इंडिया चाइना से कुछ चीजें इंपोर्ट करता है तो इस प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के तहत चाइना को ये बताना पड़ेगा प्रॉपरली अगर कोई उसके मान लो वो कोई लेट से कोई केमिकल डाई है टेक्सटाइल डाई है उसको इंडिया को भेज रहा है इंडिया उससे इंपोर्ट करवा रहे हैं अब अगर चाइना को पता है कि उसकी उस डाई के अंदर ठीक है जो इस कन्वेंशन के मौजूद है ठीक के है तो चाइना को प्रॉपरली बताना पड़ेगा इंडिया को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कि कंपाउंड में ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नहीं बेसिकली ये कंपाउंड है और कंपाउंड कंपाउंडस है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अब इंडिया डिसाइड करेगा वेदर इंडिया वॉन्ट दैट डाई और नॉट अगर इंडिया झेल सकता है कि चल ठीक है हाँ हिजाडस है मैं ध्यान रखूंगा इसके यूजेज को लेके और इसको अगर दि, उसके ऊपर भी ध्यान रखूंगा ठीक है मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ लेकिन अगर इंडिया को लगा कि नहीं, नहीं भाई ये बहुत ज्यादा हजाडस केमिकल है इसको नहीं मंगा सकते लोगों ने कपड़े पहने उनकी स्किन खराब हो सकती है तो इंडिया कह राम राम ठीक है हमने नहीं लेना आप रखो आप अपने लोगों को पहनाओ वैसे कपड़े ठीक है तो ये है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट ठीक है तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि हजार केमिकल्स के ट्रेड को लेके इस तरीके से रेगुलेशन की जाए कि इम्पोर्टिंग कंट्रीज को ये पता हो कि वो जो केमिकल मंगवा रहे हैं किसी एक्सपोर्टिंग कंट्री से उसमें है क्या कितना नुकसान कर सकता है वो कंपाउंड राइट तो इसमें अभी जैसे स्टॉक होम कन्वेंशन में रिव्यू कमेटी थी पीओपी की रिव्यू कमेटी यहाँ पे केमिकल्स की रिव्यू कमेटी है इसका भी वही काम है कि अगर कोई ऐसा केमिकल है जिसके बारे में पता लगता है कि इट्स वेरी हजार्डस

और ये पाया गया है स्टडीज़ के द्वारा कि ये कार्सिनोजेनिक है यानी कि कैंसर कॉज कर सकता है ये प्लांट्स के ऊपर आप इसको स्प्रे कर रहे हैं प्लांट्स को हम खाते हैं वो फल सब्जियों के ऊपर स्प्रे होगा वही हम खाते हैं पता लगे कैंसर के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसके पीछे ये केमिकल रिस्पॉन्सिबल था ठीक है तो मान लो चाइना से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा चाइना को बताना पड़ेगा क्या कि भाई ये पेस्टिसाइड में ये केमिकल है

ड uh, में हम लोग काफी खाते हैं तो उसमें सॉइल इंसेक्टीसाइड के का, काम करता है ठीक है ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए पर्टिकुलरली टॉक्सिक है राइट और आपको पता है वो प्रोसेस का नाम बताना जिससे अगर हम इरीगेशन कर रहे हैं और इरीगेशन में जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है वो इरीगेशन की धारा से बहते बहते पास की एक वाटर बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए उसको क्या कहते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ठीक है थीके? ये भी स्टैटिक uh, नॉलेज है ठीक है तो लेंक हमेशा करते रहने करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट को आपने आई एम वेरी श्योर ये पढ़ा होगा ठीक है लेक वाटर पोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो लेक में क्या होता है कई बार कि आसपास के खेतों से पानी जब बहता हुआ उस लेक में आ जाता है तो उसके साथ कई पेस्टिसाइड्स भी साथ में आ जाते हैं और उस लेक में एकत्रित हो जाएंगे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं यूट्रोफिकेशन कहते हैं कुछ और कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा ठीक है तो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को टर्बोफोर्स ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं ई के बारे में उन्होंने बता दिया एक इंटरेस्टिंग चीज और बता देता हूँ 2015 में ना एक कमेटी बनी थी अनुपम वर्मा कमेटी के नाम से इनका भी ये काम था कि इन दो केमिकल्स को स्टडी करके बताओ कि क्या इसकी यूजेज ठीक है या नहीं इन्होंने उसको गो अहेड दे दिया था ठीक है और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इंडिया पूरी दुनिया में टर्बोफोर्स को मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टर्बोफोर्स है ठीक है तो कहीं ना कहीं मे बी मे बी जस्ट से कमेटी शायद ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट ना हो उसकी वजह से इन्होंने कहा कि हाँ इन दोनों पेस्टिसाइड्स में कोई खास प्रॉब्लम 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 नहीं है 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 बट ठीक इज इन दिस राइट तो ये पेस्टिसमेशन पता हो तो काम आ सकती है अगली एक और कन्वेंशन को करते हैं ठीक है पल्यूशन की बात कर रहे हैं तो अभी हमने दो पर्टिकुलर पोल्यूटेंट से रिलेटेड हमने कन्वेंशन की क्या किया परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एंड एंडस केमिकल्स उनसे रिलेटेड हमने दो कन्वेंशन को देखा अब लैंड डिग्रेडेशन पे आ जाते हैं ठीक है लैंड डिग्रेडेशन भी काइंड ऑफ पोल्यूशन की तरह हम इसको कर सकते हैं क्योंकि लैंड एक तरीके से उसकी क्वालिटी खराब हो रही है राइट सो लैंड डिग्रेडेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन दैट इज यू एन एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो न्यूज में थी ठीक है तो ये कैफे कॉफी डे वाला सीसीडी नहीं है दिस इज न, तो अलॉट कैन हैपन इन कॉन्टेक्स ऑफ एनवायरमेंट तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा अब ये न्यूज में क्यों थी ठीक है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूज में क्यों थी तो हमने अभी देखा कि उधर भी क्या था न्यू केमिकल्स एड हुए थे तो उस वजह से वो न्यूज में थी यहां पर इस कन्वेंशन के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है बेसिकली पार्टीज आके मिलती हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती हैं जिससे कि इस कन्वेंशन का जो मुख्य मुद्दा है उद्देश्य है उसको और अच्छे से कैसे अचीव किया जाए उसके ऊपर डिस्कशन होती है तो इसकी फिफ्टींथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी कहाँ हुई थी इंडिया में नहीं हुई थी ये हुई थी अफ्रीका की एक जगह में अफ्रीका में एक कंट्री है नोन बाय द नेम ऑफ आइवरी कोस्ट ठीक है उसका वो फ्रेंच नाम उसका है को ठीक है ये उसका फ्रेंच नाम है

अब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई फिफ्टीन इसकी थीम हमारे लिए जाननी जरूरी है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी थीम आपको पता हो थीम है लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कारसिटी टू प्रॉस्पैरिटी जमीन ठीक है डिजर्टिफिकेशन की बात रही है लैंड डिग्रेडेशन की बात हो रही है तो जमीन जिंदगी लेगेसी वंश ठीक है फ्रॉम स्कारसिटी टू प्रॉस्पैरिटी ठीक है किल्लत से समृद्धि की ओर कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं लैंड लैंड लाइफ लाइफ लेगेसी लेगेसी फ्रॉम फ्रॉम टू टू ऐसे रट्टा भी लगाया जा सकता है ठीक है तो इसमें क्या है कि ये सेशन जो होते हैं ये तो इसकी थीम रही दूसरी चीज ये इसके सीओ पीस के सेशन बाई इनियल सेशन होते हैं ठीक है थीके? बाई इनियल क्या होता है इज का मतलब होता है कि दो साल में एक बार होने वाला सेशन बाय एनुअल और बाई इनियल इनमें फर्क होता है बाय एनुअल है कि एक साल में दो बार हो रहा है बाई इनियल है दो साल में एक बार हो रहा है ठीक है तो ये बाई इनियल सेशन है और इससे पिछला सेशन सी ओ पी फोर्टीन ऑफ यू एन सी सी डी ये इंडिया में हुआ था दो हजार उन्नीस में हुआ था अब आप पूछोगे कि सर अगर दो साल में एक बार होता है तो दो हजार उन्नीस के बाद दो हजार इक्कीस में क्यों नहीं हुआ कोविड ठीक है कोविड के चलते नहीं हुआ सिलेबस बच गया नहीं तो सी ओ पी सिक्सटीन होना था और फिर सी ओ पी फिफ्टीन की भी आपको थीम पता होनी चाहिए थी ठीक है तो 2019 का सेशन क्योंकि इंडिया में हुआ था तो दैट इज द रीजन कि 2019 के की ट्वेंटी की भी हमें थीम बताओ वहां की थीम थी रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर ठीक है दिस अ थीम जो इंडिया में सेशन हुआ था और यहां पर इंडिया ने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट की थी कि हम अपने कंट्री में 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करेंगे और हमने टारगेट ईयर रखा था 2030 राइट सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यू एन ठीक है इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है इसको ट्रिपलेट ऑफ रियो कन्वेंशन भी कहा जाता है इट इज वन ऑफ द ट्रिपलेट ऑफ रियो कन्वेंशन रियो कन्वेंशन हुई थी उसके तीन जुड़वा बच्चे हो गए थे ठीक है ये तीन जुड़वा बच्चों के क्या नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दूसरा बच्चा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और तीसरा बच्चा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन बेसिकली इसका मतलब क्या है 1992 में अर्थ समिट हुआ था रियो दे जेनरियो में जो कि ब्राजील में है राइट वहां पर अर्थ एनवायरनमेंट और अर्थ को कौन सी चीजें बहुत ज्यादा एक बड़ा थ्रेट पोज कर रही हैं उसके ऊपर चर्चा हुई थी और ये पाया गया कि देर आर थ्री मोस्ट क्रिटिकल थ्रेट सबसे पहला थ्रेट है क्लाइमेट चेंज का ठीक है तो उससे ठीक है दिस बेबी वॉश प्रोड्यूस्ड दूसरा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है सीबीडी उसकी वजह से आई और तीसरा आइडेंटिफाई किया गया कि सारी चीजें आपस में मिक्स इंटरप्ले करके इट्स इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट इज लैंड एज वेल और थिंगशन हो रही है रैपिडली मतलब कि जहां पर आपको किसी टाइम पर हरी भरी घास दिखती थी एक झील बह रही है वहां पास में आज की डेट में आपको बंजर जमीन दिख रही है कोई झील नहीं बह रही और घास होगी नहीं सकती उधर राइट right? और ये लगातार बढ़ता जा रहा है तो अगर ऐसा होता रहा कंसिस्टेंटली ठीक है तो क्या होगा

एक और इंपॉर्टेंट चीज इससे रिलेटेड है यू एन से रिलेटेड के ये इकलौती ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि लीगली बाइंडिंग है जो ठीक है लीगली बाइंडिंग तो दो और हमने देख ली लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को लैंड मैनेजमेंट के साथ रिलेट करती है ठीक है जनरली जो हमारी ट्रीटीज या लीगली बाइंडिंग ऐसी कोई भी कन्वेंशन होती है वो आप देख सकते हो कि पोल्यूटेंट्स के साथ ज्यादा लिंक करती है या क्लाइमेट के साथ थोड़ा लिंक करेगी राइट लैंड मैनेजमेंट के साथ ये इकलौती ऐसी ट्रीटी है जो डील कर रही है एट प्रेजेंट ठीक है हो सकता है आने वाले टाइम में और आ जाए बट अभी तो यही है ठीक है इसी के साथ साथ इसने क्या किया है 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 अभी इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि लैंड रीजेनरेट करना है और कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करनी है वाई क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और डिजर्टिफिकेशन ये प्रोसेसिस आपस में इनका नाता है रिलेशन है ठीक है ये ट्रिपलेट है ना जो इनका भी आपस में रिलेशन है इनमें भी अगर सिंक होगा तो हम धरती को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं राइट right? तो लैंड रीजनरेशन और कार्बन न्यूट्रलिटी के जरिए जो क्लाइमेट का नेगेटिव हम ऑफसेट करेंगे वो लैंड रीजनरेशन में भी हेल्प करेगा ठीक है एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगे हाथ यहीं पे अगर बात हो ही रही है तो इंपॉर्टेंट डेज की दे दूं दूर देखो हमने ओवरऑल uh, एनवायरनमेंट की बात हो रही है बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है और की बात हो रही है तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून थ्री को होता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ट्वेंटी सेकेंड मे को होता है एंड वर्ल्ड डे टू ऑन जून सेवन ठीक है तो इनका भी थोड़ा सा याद रखना कि कभी कोई क्वेश्चन आ गया ठीक है तो हेल्पफुल रहेगा अब ये जो सी ओ पी फिफ्टीन हुई थी इसमें कुछ न्यू कमिटमेंट्स ली गई थी इन कमिटमेंट्स को भी हम लगे हाथ पढ़ लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको वी आर इन पोजिशन टू सॉल्व इट राइट सबसे पहली कमिटमेंट थी यहाँ पे जो पार्टी थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम वन बिलियन हेक्टर डीग्रेडेड लैंड का डीजेरेटेड लैंड का वन बिलियन कि जो जहाँ पे कभी घास थे वो बंजर है ऐसा वन बिलियन बिलियन हेक्टर का लैंड करेंगे और करेंगे कैसे बाय इम्प्रूविंग डाटा गैदरिंग एंड मॉनिटरिंग ठीक है बेसिकली करना देखना की सबसे आसानी से कौन से लैंड को रिक्लेम किया जा सकता है और फटाफट उसको रिक्लेम करके ट्वेंटी थर्टी से पहले इन्होंने कहना की ये हमने कर लिया हमने कर लिया जबकि जो लैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है

ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इन्होंने कहा कि हम जनरली ड्रॉट को लेकर हमारी अप्रोच रिएक्टिव रहती है।, कि पहले आता है हमें क्या करना है हम बाद में करते हैं ठीक है ड्रॉट पहले आ जाता है वी आर नॉट प्रिपेयर नुकसान हो जाता है उसके बाद हम रिलीफ मेजर्स देते हैं या उसके बाद हम पिक्चर में आते हैं तो अब हमने अपनी अप्रोच को चेंज करके प्रोएक्टिव ड्रॉट मैनेजमेंट की तरफ जाना है यानी कि ड्रॉट अगर के आने से पहले हमें पता हो कि ड्रॉट आने वाला है तो प्रिपेयर्ड रहो ठीक है इरीगेशन फैसिलिटीज के साथ जहां पर जरूरत है के साथ हम रहे और आपको ये भी बता दूं कि 2023 का साल ईयर पिछले दो साल ला नीना के ईयर थे तो जब नीनो आती है क्या होता है बारिशें कमजोर हो जाती हैं इंडिया में तो इंडिया में इस साल बहुत सी जगहों पर ड्रॉट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है और अगले साल ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है तो दिस कन्वेंशन इसमें जो न्यू कमिटमेंट्स की हैं ये ऐसी चीजों को साथ टैकल करने में हमारे लिए काफी कार्यगर साबित हो सकती है इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि जो रियो कन्वेंशन की बाकी तीन कन्वेंशन है बाकी दो कन्वेंशन है ठीक है इनमें आपस में तालमेल थोड़ा और इम्प्रूव किया जाए क्योंकि एक चीज दूसरी चीज को इम्पैक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी देखो क्लाइमेट चेंज है क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट हो गई बायोडाइवर्सिटी के इम्पैक्ट होने से वो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स केमिकल्स और बेसिकली वो खाद जो लैंड को फर्टाइल बनाती है वो कम हो गया लैंड डिजर्टिफाई होगी ठीक है तो आपस में सिनर्जी इनकी बेटर होगी तो उसकी वजह से व्हाट विल हैपन क्या होगा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाएंगे रियो कन्वेंशन का ठीक है जहां पे बेसिकली हमने धरती को बचाना है राइट इसी के साथ साथ इन्होंने ना तीन कॉल्स दी ठीक है थीके? अभिजान कॉल अभिजान डेक्लेशन एंड सीओपी फिफ्टीन लैंड लाइफ एंड लेगेसी डेक्लेन ठीक है तो अभिजान ये कॉल क्या है अभिजान कॉल एंड डिक्लेरेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं प्लीज याद रखना ठीक है अभिजान कॉल ये कंट्रीज के जो हेड्स हैं और गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने एक लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का बेसिकली एक प्लान जनरेट किया था सो दैट इज अभिजान कॉल अभिजान डिक्लेरेशन जो है दिस एम्स एट अचीविंग जेंडर इक्वालिटी फॉर सक्सेसफुल लैंड रिस्टोरेशन ठीक है जेंडर इक्वालिटी और लैंड रिस्टोरेशन को लिंक यहां पे किया गया ठीक है लैंड को रिस्टोर करके आपको पता है कि जब भी कोई त्रासदी होती है या जनरली इन जनरल हमेशा नहीं बट इन जनरल क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं पर्टिकुलरली रूरल एरियाज या कोस्टल एरियाज में हम देखेंगे वहां पे विमेन के ऊपर वो इम्पैक्ट ज्यादा खतरनाक होते हैं पोल्यूशन का इंपैक्ट भी वेमेन के ऊपर थोड़ा इन जनरल माना जाता है ज्यादा नेगेटिव होता है पॉवर्टी वेमेन को ज्यादा इंपेक्ट करती है ठीक है घर पे गैस खरीदने का पैसे नहीं है चूल्हा नहीं है वो फूक मारने वाला ट्रेडिशनल वो अंगीठी पे बनाना पड़ेगा लकड़ियां करो फूक मार के वो आग जलाओ चाय बनाओ उसमें बच्चों के लिए खाना बनाओ कौन कर रहा है लेडीज कर रही हैं और दे आर वेरी वेलनरेबल टू कार्सिनोजेनिक पोल्यूटेंट्स जो यहाँ से निकल रहे हैं सो डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंटल so, इशूज का यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का भी माना जाता है कि इन जनरल डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट है परटेनिंग टू जेंडर इनइक्वालिटी तो डिक्लेरेशन जो है वो लैंड को रिस्टोर करके उसके जो पॉजिटिव इंपैक्ट हैं, वो कोशिश करेंगे कि विमेन के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा हो गए हैं, वो ऑफसेट हों ठीक है लैंड की डिजनरेशन की वजह से ठीक है सो अबिजान डिक्लेरेशन इट सीक्स टू अचीव जेंडर इक्वालिटी और सक्सेसफुल लैंड रिस्टोरेशन तो वुमेन पार्टिसिपेशन भी करेंगे ठीक है वुमेन पार्टिसिपेशन करेंगे लैंड को रिस्टोर करने में और रिस्टोर लैंड के जो बेनिफिट्स हैं वो भी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो बिटवीन मेल एंड फीमेल्स इसकी भी कोशिश की जाएगी राइट इसी के साथ साथ सीओपी फिफ्टीन लैंड लाइफ एंड लेगेसी डिक्लेरेशन ठीक है सीओपी फिफ्टीन लैंड लाइफ एंड लेगेसी डिक्लेरेशन ये डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है कि एक यूएनसीडी कन्वेंशन की ही एक रिपोर्ट आती है नोन बाय द नेम ऑफ ग्लोबल लैंड आउटलुक टू इंपॉर्टेंट ग्लोबल लैंड आउटलुक कौन रिलीज करता है इट इज रिलीज बाय यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा यशन रिपोर्ट रिलीज की जाती है इसमें इन्होंने कुछ मुद्दे हाईलाइट किए थे उन मुद्दों को कैसे एड्रेस करना है ये डिक्लेरेशन उसके बारे में ठीक है बिल्कुल प्रिसाइज और बिल्कुल टू तो दी पॉइंट बात की है ठीक है तो ये डिक्लेरेशन उसके बारे में राइट तो क्वेश्चन करते हैं कुछ

सी ठीक है तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो वैसे तो देखो अगर सेकंड पता है आपको कि ये गलत है बेसिकली ना ये इस क्वेश्चन में और कई बार एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर एग्जामिनर सिर्फ एक चीज जानना चाहता है आपसे ये जानना चाहता है कि सी ओ पी इंडिया में हुई थी ठीक है तो जाहिर सी बात है कि एक ही कंट्री में दो बार इस तरह की कन्वेंशन रिपीटेडली होती नहीं है तो अगर आपको पता है कि सी ओ पी फोर्टीन इंडिया में हुई थी तो यू कैन क्लियरली से कि ये क्वेश्चन ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो जैसे ही टू एलिमिनेट करोगे करेक्ट आंसर आ जाएगा राइट right? तो कई बार एग्जाम में भी ऐसा होता है तो वहां पर दिल खोल के ऑप्शन मार्क करना थर्ड स्टेटमेंट वैसे भी पढ़ लेते हैं TOP sessions to held by annually. By annually. ये ट्रू है अब ये ना कहना कि सर 2019 के बाद तो ये 2023 में हो रही है तो ये कैसे पॉसिबल है ठीक है थीके? एक्सेप्शन को साइड पे रखते हैं कोविड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है बट इसको अभी साइड पे रखते हैं ठीक है दिस इज बाईली राइट दिस इज कंडक्टेड बाई इन चलिए सी इसका आंसर है तो जिन्होंने सही जवाब दिया है क्लैपिंग खुद को चॉकलेट देना आज ठीक है बहुत ज्यादा मीठा भी मत खाना बट हाँ इट्स ऑलवेज नाइस टू अप्रिशिएट योअर सेल्फ राइट फील गुड अबाउट योर सेल्फ जब भी कुछ टेस्ट सीरीज या कुछ भी करते हो ना और उसमें इंप्रूवमेंट दिखती है फील गुड ठीक है ये फुटबॉल की तरह यार जब गोल करते हैं रोनाल्डो जब गोल करता है ठीक है, एक है उसकी, करते हैं वो ऐसे नहीं करते कि यार, चल, क्या हो गया एक ही गोल हुआ है, अगला पता नहीं होगा कि नहीं होगा बहुत से बच्चे ना यूपीएससी की तैयारी में डू दिस आई डोंट नो वाई कोई चीज अच्छी होती है बट वो कहते हैं कि किसी को पता ना लगे यार पता नहीं ये तो हो गया वहां पे होगा कि नहीं have patience, have भगवान पर बाद में पहले खुद पर उन्हीं का अंश आप में है खुद पर अगर विश्वास रखना सीखोगे तो वो विश्वास ईश्वर पे भी आप वैसे ही विश्वास कर रहे हो राइट right? तो कॉन्फिडेंस एंड फेथ इज द की वो बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर स्टेज पर आपने जितना पढ़ना था ना बहुत सा पोर्शन जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो ये फाइनल लीप चल रही है आपकी तो हैव पेशेंस एंड हैव फेथ ठीक है चलिए एक और एमसीक्यू करते हैं करेक्टली मैच आपने बतानेटॉक होम कन्वेंशन रोटर डैम कन्वेंशन मोन्ट्रीअर प्रोटोकॉल ये ये आपको दे रखे हैं राइट right साइड पे मूवमेंट मतलब बेसिकली किसके साथ डील करते हैं ये वो बता है ठीक तो क्या आंसर है इसका बताओ हैम कन्वेंशन बेसिकली पीओपी के साथ डील करता है हमने यहाँ पे पढ़ा भी है पांच न्यू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट्स को कहा गया कि दे आर रिस्की तो उनको एनेक्चर में डाल दिया गया रोटर डैम कन्वेंशन केमिकल्स के साथ डील करता है तो ये वही यूपीएससी वाला पैंतरा आपस में इंटरचेंज कर दिया तो ये दोनों गलत हो जाते हैं मॉनट्री और प्रोटोकॉल ये ओजोन कंजर्वेशन के साथ ही डील करते हैं ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है तो अगेन जिनका क्वेश्चन सही है एक्सीलेंट चलिए यहां पर वो न्यू केमिकल्स दे रखे हैं और जो प्रोमिनेंट यूजेज है उनकी उसके बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केमिकल और उसकी प्रोमिनेंट यूज जो है वो करेक्टली मैच कर रखी है इधर ठीक है सो जैसा हमने पढ़ा था िन प्लस जो है ये फ्लेम रिटार्डेंट की तरह यूज होता है सो दिस इज करेक्टली मैस्ट पेयर यू थ्री ट्वेंटी एट यूज किया जाता है ठीक है तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कुछ इन्फॉर्मेशन को तो देखो दोस्तों लट्टा लगाना पड़ेगा हल्की सी क्रैमिंग करनी पड़ेगी बट वो क्रैमिंग में भी फील करके उसको थोड़ा क्रैम अप करोगे तो अच्छा रहेगा ठीक है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे क्योंकि यहाँ पे तो हमने फ्रेशली उसको पढ़ा है तो सॉल्व कर पा रहे हैं एग्जाम में प्रेशर कंडीशन में गलत हो सकता है ठीक है तो एग्जाम में अगर ऐसी चीजें बिल्कुल ही याद नहीं आ रही मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को जरूर मतलब छोड़ देना लेकिन अगर एक भी याद आ रहा है और उसके बेसिस पे एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रही है इन दैट केस यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क लेकिन अगर बिल्कुल याद नहीं आ रहा तब ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने ठीक है तब काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है राइट ऑल थ्री प्लेयर्स आर करेक्टली मैच्ड सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी चलो जी वेस्ट मैनेजमेंट पे आते हैं ठीक है तो आज के सेशन में हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तक करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड एयर वाटर पोल्यूशन हम उसको देख लेंगे एक बार ठीक है एंड फिर सब्सिक्वेंट सेक्शन में हम क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे एंड देन फिर बायोडाइवर्सिटी विल बी द लास्ट पोर्शन ऑफ एनवायरमेंट करंट अफेयर्स राइट इसी पे सवाल आते हैं घूम फिर के इधर ही आना है ठीक है इसके बाहर आएंगे ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा तो टेंशन नहीं लेनी वेस्ट मैनेजमेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें है ना वो कर लो ठीक है तो सबसे पहले तो ना इंडिया ने कितना गंद डाला हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट में उसका एक जायजा लेते हैं ठीक है ये डाटा मैंने कहाँ से लिया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है उस पर उनकी एक रिपोर्ट आती है ठीक है एनुअल रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के नाम से वहां से ये डाटा लिया गया है तो वहां पे सिर्फ 2019-20 तक का डाटा है तो उसके बेसिस पे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो यहां पे इस डेटा के हिसाब से महाराष्ट्र तमिलनाडु गुजरात ये इंडिया के टॉप थ्री प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं अगर इंडिया के दुनिया में रैंक की बात की जाए तो इंडिया फिफ्थ नंबर पे आता है इन द जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट और एनुअल डिस्चार्ज 3.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हम जनरेट करते हैं 3.5 मिलियन टन 2020 में इतना प्लास्टिक हमने जनरेट किया वेस्ट ठीक है एंड देन वी से क्लाइमेट चेंज बचाना है धरती को बचाना है राइट right? प्रॉब्लम है दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट ने एनालाइज किया है कि 80 परसेंट से ज्यादा ये इतना बड़ा प्लास्टिक वेस्ट दस स्टेट से आता है दस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वो दस स्टेट्स कौन है ये आपके सामने सबसे पहले महाराष्ट्र देन तमिलनाडु गुजरात ठीक है एंटी क्लॉकवाइज दिस इज एंटी नहीं दिस इज क्लॉकवाइज महाराष्ट्र से शुरू होकर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो ये टॉप टेन स्टेट्स आ देंगे वेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र तमिलनाडु ठीक है तो माता गऊ ठीक है माता गौ गौ माता या माता गऊ ये निमोनिक है इससे आप टॉप स्टेट्स के नाम याद रख सकते हैं ठीक है प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ठीक है माता गऊ काटे दे राइट कर्नाटका तेलंगाना डेली वेरी सिली निमोनिक बट अगर इससे याद रहता है तो क्या जाता है यार हमारा तो पर्पस है इसको याद करना ठीक है उत्तर प्रदेश हरियाणा ठीक है हमारा प्रोड्यूस हो जाता है ठीक है तो क्वाइट ऑफ कंसर्न राइट इसी के साथ साथ कहा गया है कि हम इस रिपोर्ट ने ये भी एनालाइज किया कि पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन कितनी है कि हमारी मतलब अब तो 140 करोड़ हो गए हम उससे ज्यादा ही हो गए उस टाइम पे हम 120 करोड़ खुद को मानते थे तो पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है तो ये डबल हो चुका है ठीक है एग्जैक्ट क्वांटिटी तो याद नहीं होती कोई बात नहीं लेकिन ये पता रहे कि दो से लेके दो तक ये डबल हो चुका है क्योंकि ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स टू में आए थे तो उसके बाद चार सालों में ये डबल हो गया है तो इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इटाज डबल अब ये न्यूज में क्यों था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ये न्यूज में थी क्यों दिस इन न्यूज तो इसकी स्टैटिक चीजें तो देखो बुक्स में आ चुकी हैं जो लेटेस्ट एडिशन है की बुक्स के, और ये सारी चीजें कवर कर देते हैं ठीक है इवन हमने अपने आ रहे क्रैश कोर्स में भी इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई कर रखी है यहां पर करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्ट में ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसने बहुत सारे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को आइडेंटिफाई किया और इसके ऊपर बैन लगा दिया सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जो बड़े ही हल्के प्लास्टिक क्वालिटी से बनी होती हैं उनको बस एक बार यूज करने के बाद उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है बेसिकली दे आर नॉट रिसकलेबल रीयूजल नहीं है वो रीसाइकिल किया जा सकते हैं रीयूजल नहीं होती वो तो इनकी ना लिटर करने की लिटरिंग मतलब गंद फैलाने की इनकी पोटेंशियल ज्यादा होती है तो इसलिए इन्होंने कई सारी ऐसी आइटम्स को डिस्क आ, आइडेंटिफाई करके इनके ऊपर बैन लगा दिया है और ये बैन एस्ट कैसे हुआ है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है थे 2016 के इनकी अमेंडमेंट करके इनको ऐड कर दिया है तो उसमें कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे कि प्लास्टिक स्टिक्स राइट प्लास्टिक स्टिक्स के ऊपर बैन लगाए कैंडी स्टिक्स आइसक्रीम स्टिक्स और जो ये ईयरबर्ड होती है ना कान साफ करने वाली उनकी उनमें जो प्लास्टिक यूज होता था उसको कहा है कि ये प्लास्टिक अब यहाँ पे यूज नहीं होगा बैन कर दो तभी दैट इज अ रीजन अगर आप ध्यान से कभी ऑब्जर्व करोगे ना ये कैंडी स्टिक्स लॉलीपॉप लॉलीपॉप कुछ लॉलीपॉप्स में क्या हो रहा है आई हैव लिटरली सीन पहले प्लास्टिक की डंडी आती आती थी वो अब क्या आती है बैम्बू की पतली सी डंडी वहां पे लगाई हुई है ठीक है और आप में से बहुत से लोग इस फैक्ट के ऊपर ध्यान देने के बजाय ये सोच रहे हैं कि सर आप इस एज में भी अब लॉलीपॉप खाते हो यार मैं नहीं खा रहा था मैंने किसी बच्चे को दिया था राइट यहाँ छीना था कुछ भी हो सकता है ठीक है बट एनी वेज ठीक है वहां पे मतलब ये बैन लगा है ईयरबड्स uh, में भी मैंने देखा है जैसे किसी टाइम पे हम जब ड्रिंक्स पीते थे कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड कॉफी उसमें प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती थी, थी आजकल प्लास्टिक की स्ट्रॉ नहीं आजकल पेपर जैसी कोई स्ट्रॉ बनी होती है ईयरबर्ड्स भी रिसेंटली जो आपने परचेस किए होंगे ज्यादातर केसेस में वो उसी तरह का कुछ रिसाइकलेबल मटीरियल होगा देन रैपिंग फिल्म मिठाई का डब्बा शगन देना कहीं पे ठीक है तो वो क्या करते हैं कि हम एक तो डब्बा है डब्बे के ऊपर फिर वो मशीन से एक रैपिंग चढ़ा देते हैं इसका क्या काम है वो रैपिंग एक बार उतर गई भोग लग गया वो रैपिंग डस्टबिन में जाएगी उसका कोई काम नहीं है वो सिर्फ काम है कि वो थोड़ी सी गार्निशिंग हो जाती है सुंदर लगता है डब्बा देखने में तो इसको भी बैन कर दिया गया है ये जो मिठाई के डब्बे हैं इस इसपे एडिशनल फिल्म नहीं चढ़ेगी राइट सिगरेट के पैक्स के ऊपर ठीक है ये चलो इसको छोड़ो ये तो क्या करोगे ठीक है दूसरी पैकेजिंग जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आती हैं उनके बॉक्सेस की प्रिंट क्वालिटी जो होती है उसको भी बनाए रखने के लिए एक पतली सी फिल्म चढ़ी होती है उसके ऊपर उसको भी क्या कि ये नहीं मत किया करो ये ठीक है तो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं कटलरी आइटम्स जैसे प्लास्टिक की कुछ प्लेट्स होती थी कप्स ग्लासेस फोक स्पून नाइफ ट्रे मतलब इनका भी यूज करके कोई काम नहीं है इसके ऊपर भी बैन लगाया गया राइट right? स्ट्रॉस जो प्लास्टिक स्ट्रॉस हुई उन पर बैन लग गया है इसी के साथ साथ पीवीसी बैनर्स होते हैं अगर वो हंड्रेड माइक्रोन से कम थिक हैं तो इसका मतलब उनका आगे फर्दर रीयूजेबल है ही नहीं वो किसी और काम के लिए यूज नहीं किए जा सकते तो इस पे बैन लग गया ये सिंगल यूज प्लास्टिक है स्टरर पॉलिस्टरीन ये, like for, के लिए क्या होता है कि कुछ शो पीसिस में थर्मोकोल का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में डाल के सरकार ने इसको बैन कर दिया है राइट तो ये अमेंडमेंट की थी इस अमेंडमेंट के जरिए इन्होंने बैन कर दिए तो कॉन्सिक्वेंटली इनका मैन्युफैक्चर करना इंपोर्ट भी नहीं कर सकते आप स्टॉक स्टॉक का मतलब इकट्ठा करके रख लेना डिस्ट्रीब्यूट सेल मतलब सब कुछ प्रोहिबिटेड है लेकिन ये याद रखना कि ये पर्टिकुलर प्रोहिबिशन जो है ये उस प्लास्टिक में नहीं जाएगी जो कंपोस्टेबल है बायोडिग्रेडेबल है ठीक है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के ऊपर ये बैन नहीं है राइट कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या होता है कि उस उसको यूज करके वो सॉइल में डिग्रेड de हो जाता है सॉइल में जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करते हैं और कंपोस्ट बन जाती खाद बन जाती उससे ठीक है तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो है ये उस कैटेगरी में नहीं आता पीनल एक्शन की अगर बात करें ठीक है तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के अंडर अगर आप ये वायलेशन करते हो तो आपके ऊपर धाराएं लग सकती हैं और कॉन्सिक्वेंटली आपको यहाँ तो पाँच साल की आपको क्यों बोल रहा हूँ यार मैं जो भी व्यक्ति वायलेट करता है उसको पांच साल की यहाँ तो सजा होगी एक लाख का यहाँ तो फाइन होगा या फिर दोनों हो सकता है तो अप टू है ये ठीक है हो सकता है कि जज डिसाइड करे कि चल इतना भी कुछ ज्यादा अपराध नहीं कर दिया एक साल की चलो सजा ले लो या फिर पचास हजार का जुर्माना ठीक है अप टू है ये याद रखना ये की होते हैं ठीक है यूपीएससी में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये की होते हैं राइट अप टू की जगह वहां पर लिख दिया फॉर मिनिमम फाइव ईयर्स तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ठीक है तो इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स पर भी ध्यान जरूर देना ठीक है अब ये जो रूल्स हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इनके बारे में आपको ये चीज बता दूं कि इन रूल्स के हिसाब से ना इनकी जो अमेंडमेंट 2021 में की थी उसमें हमने ये डिसाइड किया था सरकार ने ये पीआईबी की इंफॉर्मेशन है ठीक है वहीं का स्निपेट मैंने लगा रखा है जहां से इन्फॉर्मेशन ली है कि हमने 2022 तक ना सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करना था राइट दैट इज अ रीजन की ये जो अमेंडमेंट हुई है एंड जो भी डेवलपमेंट चल रही है इस नहीं 2022 की जून आते आते सरकार ने बहुत सारे सर्कुलर्स निकाले थे स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए कि जो हमने टारगेट बनाया है वो अचीव करना है तो सरकार की अगर माने तो ऑन पेपर उन्होंने वो सारे मेजर्स ले लिया जिससे ये फेज आउट किया जा सके लेकिन अभी भी अलॉट टू बी डन और ये जाना जा रहा है कि इसके ऊपर एक रिव्यू होगा और रिव्यू के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि कितनी हमने अचीवमेंट की है और आगे हमें क्या करना है तो हो सकता है कि जब भी वो रिव्यू हो एज एंड वेन इट हैपन्स तो ये 2022 का जो टारगेट ईयर यह पता लगे कि नहीं हो पाया था या इतने परसेंट अचीव हो पाया था तो अब नया टारगेट हमने खुद को दिया है ठीक है टारगेट दिस वाज द टारगेट फॉर अस अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ठीक है इन्हीं रूल्स के अंडर एक और चीज लेके आए हैं ये जो चेंज लेके आए हैं ठीक है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि जो थैलियां होती हैं प्लास्टिक बैग्स ये जो परमिसेबल इनकी थिकनेस है वो पहले फिफ्टीन माइक्रॉन सेवेंटी फाइव माइक्रॉन्स कर दी थी अब 120 ट्वेंटी माइक्रॉन्स कर दी गई है आप कहोगे कि प्लास्टिक बैग्स की थिकनेस बढ़ा के हम क्या भला कर रहे हैं एन्वायरमेंट का तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि जब ये थिकनेस बढ़ती है तो प्लास्टिक बैग की वो वैल्यू भी बढ़ जाती है जिसकी वजह से दुकानदार को अगर प्लास्टिक बैग देना है आपको तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा और ये इफेक्टिव स्ट्रेटजी है क्योंकि कई बार आपने और मैंने ये किया है कि वो हमने नहीं खर्चने पांच रुपए ईगो हर्ट हो जाती है कि मैं तेरे से सामान ले रहा हूं सामान ले रहा हूं मैं तेरे से भाई पैसे दिए हैं इतने सारे तू मेरे से थैली के चार्जेस ले रहे हैं तो बड़े प्यार से बोल कि नहीं सर, ये पॉलिसी है, है सर आप जानते हैं सर आप अपना बैग लिए हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर अगले बार वो अपनी थैली लेके आते हैं कि अब देखता हूँ कैसे लेता है पांच रुपए मेरे से ठीक है बट इट वर्क्स इट वर्क्स ठीक है अंकल लोगों में तो ये एक्चुअली काम कर गया ठीक है तो ये इसका इम्पैक्ट है सॉरी यार भावनाओं में कई बार थोड़ा सा बह जाते हैं आसपास की होती है है ना तो तो वी सम रिमेंबर दिस एक्चुअली ठीक ये माइक्रोन बढ़ गए तो और जो लोग यूज करते हैं ठीक है उसके बाद क्या है कि थिकनेस ज्यादा होने की वजह से ना ये किसी और काम भी कई बार आ जाता है राइट right? कई किसी और काम के लिए आ जाता है कई बार टेबल पे ऐसे ही बिछाने के लिए काम आ जाएगा वो लिफाफा या कोई और मटेरियल कभी कैरी करने के लिए आ जाएगा तो सिंगल यूज नहीं रहेगा इसी के साथ साथ ये जो पैकेजिंग है प्लास्टिक पैकेजिंग ठीक है जैसे गुटका तब्बाकू पान मसाला आपने ये क्यों ही देखे होंगे मतलब इनके जो वो सैशे होते हैं ना वो प्लास्टिक के होते थे जैसे शैम्पू की नहीं होते सैशे उस तरह के होते थे तो इनके भी प्लास्टिक सैसेज जो हैं वो मना कर दिए राइट और क्योंकि इनमें से कई कंपनियां गुटका वाली कंपनियां जो हैं वो सौंफ या माउथ फ्रेशनर्स भी देती हैं जैसे पास पास ठीक है पास पास भी बनाती हैं तो ऑब्जर्व करना कभी पहले पास पास के जो पाउचेस होते थे वो बड़े ही प्लास्टिक आजकल उनका टेक्सचर बड़ा अलग है तो उसमें प्लास्टिक हटा के उसकी पेपर पेपर एक स्पेशल यूज किया जा रहा है है उसमें ठीक है? तो ये भी इन्होंने इन अमेंडमेंट रूल्स में इंट्रोड्यूस किया है इन्हीं रूल्स के अंदर लोकल बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये वेस्ट आ, ओके सो तो दे हैव मैंडेटेड कि लोकल बॉडीज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे वेस्ट जनरेटर्स पर रिटेलर्स पर स्ट्रीट वेंडर्स पर कि प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर सकें ठीक है तो लोकल बॉडीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हाईलाइटेड है एक प्रिंसिपल आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब जैसे मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ मैंने अपना कोई प्रोडक्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट है अच्छा ये पेन है प्लास्टिक का ये मैंने बेच दिया ठीक है नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब वो पेन यूजेबल नहीं है तो मैं उसकी कलेक्शन कर सकू राइट तो इसके लिए प्रोड्यूसर का ये उत्तरदायित्व बनता है कि कुछ इंसेंटिव रखे कि मान लो मैंने एक पेन दिया या मान लो मैं कोई पेप्सी की बोतल बेच रहा हूँ तो मैं इंसेंटिव कि देखो ये बोतल है और मैंने अपने कलेक्शन पॉइंट्स रख लिए कि आपने ये बोतल पीने के बाद कहीं पे भी फेंकनी है तो वहां फेंकने आ जाना इंसेंटिव मिलेगा दस रुपए कैश बैक एग्जाम्पल ठीक है तो दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट तो इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जो हैं

एक प्रोड्यूसर है पर्टिकुलर उसका नेटवर्क बड़ा अच्छा है उसने कलेक्शन पॉइंट्स बहुत अच्छे बना दिए रेस्टोरेंट्स के, के साथ उसने टाई अप कर लिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक जितना भी है मैं एक अपना डब्बा रखूंगा आपके यहाँ पे आपने वहां पे उसमें फेंकना सिंगल यूज प्लास्टिक ठीक है बदले में इतने पैसे मैं आपको दूंगा लेट से राइट उसके कलेक्शन पॉइंट बहुत अच्छे हैं नेटवर्क बहुत अच्छा है, और उसने बहुत सारा ऐसा प्लास्टिक अक्यूमुलेट कर लेता है राइट लेकिन एक दूसरी तरफ एक ऐसा वेंडर या प्रोड्यूसर है जिसके पास इतना अच्छा नेटवर्क नहीं है तो जिस इंसान का नेटवर्क अच्छा है ऑब्बियसली वो ज्यादा इस तरह की चीजें कलेक्ट कर लेगा तो जो सरप्लस उसका बना है, है? ठीक ट्रेडेबल लाइक कार्बन सर्टिफिकेट्स जो आप क्लाइमेट चेंज में पढ़ते हैं ठीक है क्लाइमेट चेंज में भी आपने ये पढ़ रखा होगा कि अगर कार्बन प्रोडक्शन वो टारगेट्स होते हैं ठीक है अगर आप टारगेट से ज्यादा कार्बन को एमिशन को कंट्रोल कर लेते हो तो वो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं तो दैट आर ट्रेडेबल ठीक है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितना कार्बन जो है वो कर् तो होना चाहिए वो हो जाए इट मैटर कि किसने किया ठीक है तो यहां पर भी वही बात हो रही है कि प्लास्टिक प्लास्टिक जो सिंगल यूज वेस्ट जनरेट हो रहा है वो एकत्रित होना चाहिए मैटर कि किसने किया अगर इससे इंसेंटिवाइज कर रहे हो और इसको एक प्रॉफिटेबल मार्केट मैकेनिज्म आप बना सकते हो तो वाई नॉट यू कैन डू दिस राइट सो दिस इज इट ठीक है इसके बाद एक इंफॉर्मेशन थी राइट सो दिस इज जस्ट बेसिकली एग्जाम्पल्स थ्रू विच एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इंप्लीमेंटेड ठीक है ये क्या कर सकते हैं कि ये कंज्यूमर के साथ टाइप रख सकते हैं कि हम वापस लेने आ जाएंगे आपसे जो भी आपने प्रोडक्ट हमसे लिया है रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स रख सकते हैं टू कलेक्ट द प्रोडक्ट्स बैक कलेक्शन पॉइंट्स रख सकते हैं पिकअप्स रख सकते हैं ठीक है न्यू प्रोडक्ट्स

ठीक है इट प्रोवाइड दिस इज ट्रू अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर मैकेनिज्म द यूजर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट मस्ट इंश्योर दैट द डिस्कार्डेड प्रोडक्ट इज सस्टेनेबली डिस्पोज ऑफ बताओ जी क्या ये सही है इज दिस ट्रू क्या सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है नो यूजर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूसर इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है वैसे सेकंड जैसे ही गलत हुई आपका आंसर आ जाएगा एंड अगेन यहाँ पे वही चीज चेक की जा रही थी कि क्या आपको ईपीआर का क्लियर है या नहीं राइट इट प्रोवाइड्स फॉर सरप्लस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स दैट कैन बी ट्रेडेड जस्ट लाइक कार्बन सर्टिफिकेट्स दिस इज ऑल्सो ट्रू ठीक है ये प्रोविजन रखी गई है इसमें राइट right? अब इसकी प्रोविजन रखी गई है लेकिन इसकी फर्दर डेवलपमेंट अभी चल रही है तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है ठीक है सी इज द करेक्ट आंसर और आगे बढ़ते हैं और थोड़े से अब हम इनिशिएटिव देखते हैं जो हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की कंट्रोल के लिए लिए हैं ठीक है सबसे पहले मिनिस्ट्री की ही बात कर लेते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने ना एक डैशबोर्ड बनाया नेशनल डैशबोर्ड बनाया दिस इज ऑल्सो नोन एज एन डी एस यू पी ठीक है नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इसमें क्या है कि डैशबोर्ड में जो भी सरकार के लेटेस्ट रूल्स हैं लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं कितना प्लास्टिक जनरेट हो रहा है कितना हमने टारगेट रखना है कोई न्यू टारगेट बन रहा है या न्यू इन्फॉर्मेशन आई है वो इसमें प्रोवाइड कर दी जाती है तो सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक ही जगह पर कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल जाती है उसके बाद सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसने भी एक पोर्टल स्टार्ट किया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग ठीक है पोर्टल ये क्या करता है ये कोशिश करता है कि ये जो ईपीआर की ऑब्लिगेशन है प्रोड्यूसर ब्रांड ओनर एंड इम्पोर्टर इनकी जो ऑब्लिगेशन है टू कंप्लाई रूल्स ठीक है तो उसको चेक पे रखने के लिए पोर्टल बनाया गया है बाई सी इसी के साथ साथ यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं होती या प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ज्यादा हो रहा है उसमें सिटीजन ताकि सरकार को रिपोर्ट कर सके कि सम लेक्यूनाइजेर तो उसको ठीक करने के लिए देर इज मोबाइल ऐप फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक ग्रीवेंस रिड्रेसल ठीक है इज अ मोबाइल ऐप ये अगेन सीपीसीबी ने बनाई है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू एम्पावर जिससे कि अनऑथोराइज सिंगल यूज प्लास्टिक अगर वो कलेक्ट नहीं हो रही तो उसको रिपोर्ट किया जा सकता है एंड इसमें अगेन एक चीज बता दूं एक्सटेंडेड प्रोड्यू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एसयू के ऊपर है ठीक है एज पर द वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ठीक है इसके बाद इंपॉर्टेंट पुनीत सागर अभियान पुनीत सागर अभियान इंपॉर्टेंट कि ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और नेशनल क्रेडिट ठीक है एनसीसी इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था जिसमें कि प्लास्टिक पोल्यूशन के मुद्दे को डील करने के लिए एमओ था ठीक है तो इसमें पुनीत सागर अभियान और एक टाइट टर्नर प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम ये कंडक्ट किया गया था इनका ऑब्जेक्टिव था कि लोकल पॉपुलेशन में प्लास्टिक के अगेंस्ट अवेयरनेस जनरेट कर सकें और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से जो बीच पोल्यूशन होती है उसको टैकल किया जा सके मतलब के, के अंदर चलते रहते हैं तो मेनी टाइम्स कोई प्लास्टिक का चम्मच उनके नाक के अंदर फंस जाता है video, वो प्लास्टिक का चम्मच इतना अंदर घुस गया टर्टल ब्रूटल पेन ठीक है तो वो इतना बड़ा चम्मच उसके नोज के अंदर फंस गया उसको निकाला गया और रेस्क्यू किया गया ठीक है तो बहुत ज्यादा एक्वाटिक इकोसिस्टम को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करता है प्लास्टिक पोल्यूशन तो इसका डिस्पोजल और इसकी मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है इसके बाद देर इज एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी टू ट्वेंटी ये रिपोर्ट प्रोजेक्शन दे रही है कि दो तक हमारा प्लास्टिक का क्या सिनारियो रहने वाला है इसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओ रिलीज करती है और इसमें क्या पाया जा रहा है कि जो प्लास्टिक वेस्ट की जनरेशन है और प्लास्टिक्स का जो प्लास्टिक है अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो 2060 तक ये पूरी दुनिया में तीन गुना ज्यादा होने वाली है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द पीपल इसी के साथ साथ जो ये सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा इनका कहना है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज कहा के सब सहारन अफ्रीका और एशिया के यहां पे कंट्रीब्यूशन इसकी ज्यादा रहने वाली है अलोंग विद दैट ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशनस होती हैं ओजोन की फॉर्मेशन होती है एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम ओसन एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम एंड ह्यूमन टॉक्सिसिटी कि हम भी एनवायरमेंट में टॉक्सिक मटेरियल कंज्यूम कर लेते हैं दिस इज गोइंग टू मोर देन डबल बिकॉज़ ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन प्लास्टिक को बनाने के लिए केमिकल्स यूज होंगे धुआं निकलेगा पी एच जी उसी धुएं से ऊपर ओजोन में ओजोन फॉर्मेशन ओशन एसिडिफिकेशन वेस्ट मटेरियल को समंदर में अगर डिस्पोज करेंगे एंड ह्यूमन टॉक्सिसिटी एज वेल ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली ठीक है ह्यूमन टॉक्सिसिटी तो वैसे चलो ठीक है यही मान लो राइट तो ये हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इट्स डू एन एम ठीक है एम की ये मेरे ना, ना मजा नहीं आता तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ठीक है ये है आपका सवाल इट इज रिलीज बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था डाटा कहां से लिया मैंने ठीक है तो ये पता होना चाहिए ये दिस इज ट्रू महाराष्ट्र इज द टॉप प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया तो माता गौ ठीक है ये हमने निमोनिक बनाया था यस महाराष्ट्र इज एक्चुअली द टॉप प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन करने वाली स्टेट गुजरात इज द लीस्ट प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया नहीं जी ऐसा नहीं है ठीक है मानना कि वी हैव अ रियली गुड लीडर फ्रॉम गुजरात हु इज रनिंग द कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है और ही इज रियली पैशनेट टू टेम प्लास्टिक पोल्यूशन बीच पे जाके खुद कर रहे हैं और ये यार मजाक की बात नहीं है ये एक बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री लोगों को ये बताने के लिए कि सफाई करने में कुछ गलत नहीं है खुद जा रहे हैं बीच पर टू कलेक्ट दिस प्लास्टिक वेस्ट तो दिस इज आई थिंक दिस इज मतलब जीनियस थिंग टू डू उनका देखा देखिए अगर बाकी लोग भी ऐसे करते हैं और थोड़ा शर्मसार होके ऐसा मतलब दे ट्राई टू टेक केयर कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो इस अच्छी बात ही है ठीक है तो यू मे क्रिटिसाइज यू में लव हिम यू मे हेट हिम बट यू कैनॉट इग्नोर हिम एंड क्योंकि उनको पता है सर को ठीक है मोदी जी को दैट्स अ रीजन इट डज ऑल दीज थिंग्स के इग्नोर तो मुझे कर नहीं सकते है. तो देख के अगर इंस्पायर होते हो डू इट योर सेल्फ ठीक है डी आई वाई राइट तो थर्ड ऑप्शन गलत है तो एक ही स्टेटमेंट है एक ही ऑप्शन है जिसमें थ्री नहीं आ रहा तो ए करेक्ट है ठीक है एंड ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं ही बना रहा हूँ वहां पर तो ऐसे आते नहीं आएंगे हर साल आते हैं ठीक है यकीन नहीं होता ना अभी चलो ठीक है आई डू वन थिंग टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करना आप ठीक है टेलीग्राम चैनल का नाम है चंदन लर्निंग चंदन लर्निंग विदाउट स्पेस उसमें मेरी फोटो बनी होगी इंस्पायर एजुकेट एम ऐसे करके कुछ लिखा होगा उसको ज्वाइन कर लेना यहाँ पे मैं उन क्वेश्चंस की कंपाइलेशन डाल दूंगा एज एंड वेन मुझे मिल, <laughs> मिलती रहेगी जैसे जैसे जहां पे एक्चुअली इस लॉजिक के साथ हम बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है so, सो आज के सेशन में इतना ही बहुत जल्द आपसे अगले इसके सेशन में जरूर मुलाकात होगी जहां पे अब हम ई वेस्ट मैनेजमेंट और एयर वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे ठीक है सो टिल देन कीपअप द मोमेंटम ऑफ योर प्रिपरेशन और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने आज रिविजन की है उससे आपका फायदा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डोमेन्स इसमें आपकी लर्निंग हुई है Okay, so take care. Wish you all the best, friends. See you in the next session. Study IQ is. Abtayari hui affordable.